हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है SYL को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर, पंजाब सरकार को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुष्यंत चौटाला ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि दिल्ली में पानी चाहिए तो पंजाब से हरियाणा के हक का पानी दिलाएं। भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों के घोटाले पर भी दुष्यंत चौटाला का बयान आया और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पर चल रही है हरियाणा सरकार। तो जो बड़ी बात है वो दिल्ली सरकार को लेकर कहा है कि अगर दिल्ली में पानी चाहिए तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा को पंजाब से उसके हक का पानी दिलवाएं। देखो, सतलुज यमुना लिंक हरियाणा की बैकबोन रहेगी आने वाले समय के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने जहां वाटर शेयरिंग पे अपना आज के दिन टीम वर्क चला रखा है, मुझे लगता है जल्द इसका निपटारा भी होगा और केंद्र का भी सहयोग मिलेगा। और क्योंकि केजरीवाल जी को दिल्ली में पानी चाहिए, पंजाब में उनकी सरकार है, तो उसका निपटारा भी हम उम्मीद करते हैं जल्द। आप खुद मानो कि अगर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, तभी चेयरमैन को आज अरेस्ट किया गया है, अधिकारियों को अरेस्ट किया गया है। और मैं तो चाहूँगा कि जहाँ जहाँ ऐसी अनियमितताएँ हैं वो हमारे तक पहुँचे और उसकी भी हम इंक्वायरी भी कराएंगे और जहाँ जहाँ पकड़े गए हैं वहाँ ऑडिट भी कराने का काम करेंगे। बिल्कुल सरकार की तैयारी है, जहाँ जहाँ हमें व्यवस्था, चाहे वो ट्रैम्पोलिन की हो, गन्नी बैग्स की हो, पूरी तौर पर उसका निरंतर रिव्यू भी किया। और आज शाम को भी 6 बजे प्रदेश लेवल का एक रिव्यू 22 के 22 जिलों का हम करेंगे, जिसमें जो 1 तारीख से हमने व्यवस्था बनानी है उसके लिए डिपार्टमेंट पूरी तौर पर तैयार रहेगा।